इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच आखिरी गेंद तक खींचा और एमएस धोनी ने अपना पुराना रूप दिखाते हुए सीएसके को 3 विकेट से जीत दिलाई। इस सीजन में यह मुंबई इंडियंस की लगातार 7वीं हार थी। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है और सीएसके को इस जीत का कितना फायदा मिला है, चलिए पॉइंट टेबल देखकर समझते हैं। आईपीएल 2022 में सभी टीमों को कुल 14 मैच खेलने हैं। ऐसे में गणित लगाएं तो मुंबई इंडियंस के अब 7 मैच बचे हैं और वह सभी जीत भी लेती है तो उसके पॉइंट्स 14 होंगे। इतने पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में पहुंचना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। 2 टीमों के खाते में 10 पॉइंट्स हैं जबकि 3 टीमें 8 पॉइंट्स हासिल कर चुकी हैं। ऐसे में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम लगातार दूसरे साल प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो सकती है। वहीं सीएसके ने भले ही जीत दर्ज की है लेकिन बचे हुए 7 मैच उसके लिए भी करो या मरो जैसे होंगे। सीएसके के खाते में 7 मैचों में 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स हैं और उनका नेट रन रेट भी नेगेटिव है। ऐसे में टीम को बचे हुए मैचों में जोरदार प्रदर्शन करना होगा। तो दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें, साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स 17 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।